फाइनली हम ट्रेवल करें. वी आर डन विद इमिग्रेशन एंड अब हमारी फ्लाइट में कितना मेमन? ओके अभी टाइम हो रहा है 4:45 और हमारी फ्लाइट है कितने बजे? 6:20. ओके गाइस सो फाइनली हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं एंड 4 घंटे हमने इंतज़ार किया एयरपोर्ट पे और फाइनली वो लम्हा आ गया जिसके लिए हमने इतना वेट किया और शिद्दत से इंतज़ार था. आफ्टर लाइक 6 मंथ्स कितने महीने बाद हम ट्रैवल करेंगे नेशनली पब्ली एयर नैन एयर. लास्ट टाइम हम कहाँ गए? दुबई गए थे फरवरी में. तकरीबन 8-9 महीने बाद वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो लेट्स गो. सफ़र में मुझसे जागा बिल्कुल नहीं जाता इसलिए जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया मैं तो सो गया था और अभी जब मैं उठा हूँ तो 10 मिनट रह गए फ्लाइट लैंड करने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई कांट वेट टू सी संभव. ओके गाइस सो फाइनली वी आर हियर इन इस्तांबुल और हम बाहर आ गए हैं एयरपोर्ट से. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा ठंड होगी और मैंने उस हिसाब से कपड़े रखे बट यहाँ तो बड़ा नॉर्मल सा मौसम है. तो फाइनली चेक इन करके हम अब निकल चुके हैं इस्तांबुल की स्ट्रीट्स पे और लकीली और ये मेरा प्लान था कि मैंने ऐसी जगह पे होटल कराया है जो कि बिल्कुल सेंटर में है और वी आर स्टेइंग एट तकसीम स्क्वायर. सो एवरीथिंग इज़ वेरी नियर और बहुत मज़ेदार मुझे तो अभी नज़र आ रही चीज़ें शावरमा और ये है. वेरी हंग्री राइट नाउ एंड सबसे पहले हम पेट पूजा करेंगे बाद में काम पूजा करेंगे. 220, 110. Oh, you take 20, give me one. Okay, happy. वी आर डन विद द शॉपिंग एज वेल. शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था लेकिन जब एक अदद खातून आपके साथ हो तो शॉपिंग के बगैर आप रह नहीं सकते. अब हम कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. लेट्स सी. वाटरमेलन से मुझे बैंकॉक याद आ जाता है. बैंकॉक थाईलैंड में जो वाटरमेलन ऑफ फ्रूट मिलता है ना वो कमाल है. ऐसा लड़का नहीं यार.